हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सतीश शर्मा, आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख के कुछ समझ में आया? नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो भारत सरकार का ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन या पोर्टल है, उसको दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड जीतने का मौका मिला है। ये अवार्ड है WSIS, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस 2023। दरअसल दोस्तों, जो भारत सरकार का ई पंचायत कॉन्सेप्ट है, उसके अंतर्गत इस पोर्टल को शॉर्टलिस्ट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है अवार्ड जीतने के लिए। तो दोस्तों, इसमें आपको भी सहभागिता करनी है। आपको आपके 5 मिनट का समय इसमें निकाल के इसमें आपको यूज करना है, ताकि आपका भी उसमें सहभागिता अवार्ड जीतने में इस पोर्टल के लिए हो। इस वीडियो में हम ये सारी प्रोसेस देखेंगे, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना, किस तरह से आपको बोर्डिंग करनी है। 5 मिनट का दोस्तों आपको समय इसमें जरूर देना चाहिए, ताकि इस पोर्टल को अवार्ड मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अवार्ड में वोटिंग के लिए दोस्तों आपको छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन करना रहता है। ये देखिए, आपके सामने जो पेज खुला है, ये मैंने लिंक ओपन कर रखी है एक ब्राउजर में, और ये लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रहा हूँ। वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके इसी पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ छोटा सा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, जो कि आपको फिल करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड, जो भी आपको बनाना है पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेक होल्डर। दोस्तों, इसमें वोटिंग कोई भी कर सकते, इतनी सारी कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है, इनमें से कोई भी यहाँ पे वोटिंग कर सकता है। आपको सिलेक्ट करना है गवर्नमेंट, उसके बाद आपका कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, इसके बाद यहाँ पे आपको टिक लगाना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। बस रजिस्ट्रेशन की इतनी सी प्रोसेस है। दोस्तों, मैंने पूरा पेज फिल कर लिया है। यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करने से पहले आपको ये बता दूं दोस्तों, हो सकता है कि आपने इस पोर्टल पर पहले भी कभी वोटिंग की हो, तो आपका ये अकाउंट जो है वो पहले से बना हुआ हो। तो यदि आपको ऐसा मालूम है, तो आप सीधा यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, रजिस्टर के नीचे ऑप्शन आ रहा है लॉगिन इफ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और यदि आपका पासवर्ड भूल गए हैं, तो फिर इसी ऑप्शन से आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं दोस्तों। और यदि आपका पहला रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप सीधे यहाँ पे उसको रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, यदि आपको मालूम नहीं है कि आपका पहले से अकाउंट है कि नहीं है, तो आप ये रजिस्टर्ड पे जब क्लिक करेंगे, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे, तो यहीं पे वो मैसेज आपको दे देगा कि आपका यूजर आईडी या आपका ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर्ड है। उसके बाद फिर आपका यहाँ से आप लॉगिन करके, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके आप आपका पासवर्ड फॉरगेट करके लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, तो रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए, जैसे ही आपने रजिस्टर पर क्लिक किया, कन्फर्म ईमेल, मतलब आपके जो मेल एड्रेस आपने डाला हुआ है, वहां पे एक लिंक पहुंची, जिसको कि क्लिक करके आपको उसको वेरीफाई करना है। मैंने जो मेल आईडी डाला हुआ है, वो मैं चेक कर लेता हूं। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, अभी जस्ट WSIS अकाउंट कन्फर्मेशन वाला ये मैसेज आ गया है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे कन्फर्म रजिस्ट्रेशन, इसको आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपका ये जो मेल अकाउंट है, वो कन्फर्म हो गया है, और आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। अब आपको यहीं पे मैसेज दिया हुआ है, क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है, और ये लॉगिन पेज आपके सामने खुल गया है। ये लॉगिन पेज की लिंक जो आपके सामने खुली हुई है, ये मैं डायरेक्ट उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। डायरेक्ट आप क्लिक करके भी इस पेज पे पहुंच सकते हैं। अब इसके बाद मुझे लॉगिन करके मैं आपको बता दूं कहां से आपको वोटिंग करनी है। दोस्तों, ये मैं लॉगिन पेज पे आ गया हूं, लॉगिन कर लिया है मैंने। दोस्तों, लॉगिन जैसे ही आप करेंगे, यहां पे देखिए वोटिंग फॉर्म एक लिखा हुआ है, और यहां पे ये कॉम्बो बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये वाला। इसमें हालांकि वैसे तो ऑलरेडी ALC7.e-governance ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस को हमको वोट करना है। यदि नहीं लिखा हो, तो आप ये ध्यान रखें, इस कॉम्बो बॉक्स में से आपको यही सिलेक्ट करना है, ALC7e-governance, ई गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपको सिलेक्ट करना है, ये यहाँ पर रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखें। इसके बाद जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऑडिट ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा वोटिंग करने के लिए। यदि आपको यह नहीं मिलता है, तो आप कंट्रोल एफ करके ऑडिट ऑनलाइन सर्च भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे वोटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। हमको जिसमें वोट करना है, वो है दोस्तों ऑडिट ऑनलाइन। तो अभी यहाँ पे देखिए, सेकंड ऑप्शन ही दिया हुआ है, ऑडिट ऑनलाइन। इसी में आपको, इसी के सामने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वोट फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आपने दोस्तों उस पर क्लिक किया, आपका वोटिंग हो गई है, आप वोट आपका सबमिट हो चुका है। दोस्तों, इसको आपको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे देखिए ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेनू में, माय वोट्स, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने किस किस को वोट किया है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा कैटेगरी 7 जो हमने सिलेक्ट की थी, C7,
उसमें आप ऑडिट ऑनलाइन वाला ऑप्शन है, आप मतलब यहाँ पे आ गया, इसका मतलब हम इसमें वोट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यही थी प्रोसेस वोटिंग करने की। तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपने देखा कितनी छोटी सी प्रोसेस है, छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और वोटिंग के लिए बस एक दो क्लिक करना है और आपको वोट हो जाना है इसमें। ठीक है दोस्तों, प्रोसेस मैंने सारी आपको बता दी है, आपको वोटिंग करना है और अधिक से अधिक लोगों से, साथियों से करवाना भी है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अधिक से अधिक इसमें वोट करवाएं ताकि हमारे पोर्टल, हमारे डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है ऑडिट ऑनलाइन, उसको अवार्ड मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।